हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोनू। आप देख रहे हैं एम मशीन बिल यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कैबिनेट के बारे में। यहां पर एंट स्पोर्ट्स का ये जो 220 एयर कैबिनेट देख रहे हैं आप, इसको लेकर काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूज़न था। मतलब मेरी कुछ पिछले वाली वीडियो में काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई इस कैबिनेट का डिटेल वीडियो बनाओ, क्योंकि इसमें देखो फ़ैन को लेकर कन्फ्यूज़न है लोगों को। मोस्टली ये जो कैबिनेट है आपको 3,500 रुपये में देखने मिल जाएगा, या फिर कहीं पे आपको 3,000 रुपये में भी इजीली मिल रहा रहेगा। तो 4 फ़ैन दे रहा है, ऊपर से 3,000 रुपये इसका इतना कम प्राइस रखा है। तो उसके हिसाब से बिल्ड क्वालिटी कैसी होगी, कौन कौन से चीज़ों का सपोर्ट इसमें आपको मिलेगा, इसको लेकर काफ़ी सारे लोगों का कन्फ्यूज़न है। तो इसके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। अगर आप ये वीडियो पूरा देखोगे तो आप डिसीजन ले सकते हो कि ये कैबिनेट आपको परचेस करना चाहिए या फिर नहीं। मैंने पर्सनली इस कैबिनेट को एक बिल्ड में यूज़ किया है, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, और अगर वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंट स्पोर्ट्स 220 एयर कैबिनेट में आपको फ्रंट में भी टेम्पर ग्लास देखने मिलता है। टेम्पर ग्लास की वजह से इसका लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है और एयर फ्लो भी ठीक ठाक मिल जाती है आपको। साइड में भी टेम्पर ग्लास का यूज़ किया गया है। आप इसे 4 स्क्रू से माउंट कर सकते हो, इजीली रिमूव कर सकते हो। अगर टेम्पर ग्लास की क्वालिटी की बात की जाए तो ठीक ठाक डिसेंट थिकनेस वाला आपको टेम्पर ग्लास देखने मिलता है। बाकी यहाँ पर पीछे की साइड से आप देख सकते हैं मिड टावर में जिस तरीके से आपको फॉर्म फैक्टर या फिर डिज़ाइन मिलता है उसी तरीके का दिया गया है। अगर मैं पैनल को रिमूव करूं, पैनल की क्वालिटी भी मतलब ठीक ठाक है, पत्रे का गेज भी अच्छा खासा है। प्राइस के हिसाब से ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको एक छोटा सा बैग मिलेगा जिसमें आपको सारे स्क्रू और जिप टाई वगैरह मिल जाएगी। केबल मैनेजमेंट का सोच रहे हो तो यहाँ पर आप 50,000 के अंडर के बिल्ड में आप इसे यूज़ करोगे तो उसके हिसाब से केबल मैनेजमेंट भी आप ठीक ठाक कर सकते हो। अच्छी खासी स्पेस दी गई है, आराम से आप जिप टाई वगैरह लगा के कर सकते हो केबल मैनेजमेंट। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 2 हार्ड ड्राइव और 2 SSD वाले बे मिल जाते हैं। यहां पर आप 2.5 इंच की SSD को माउंट कर सकते हैं इजीली। उसके बाद हार्ड ड्राइव माउंट करने के लिए यहां पर आपको नीचे कंपार्टमेंट दिया गया है। इसे पूरा रिमूव करने के बाद आप 3.5 इंच का जो हार्ड ड्राइव होता है मैकेनिकल, आप 2 हार्ड ड्राइव इजीली माउंट कर सकते हो। कैबिनेट के टॉप पर आपको यहां पर एक पावर बटन देखने मिलता है, रीस्टार्ट बटन देखने मिलता है, 2 LED मिल जाएगी छोटी, और यहां पर 3.0 के 2 पोर्ट दिए गए हैं ऑरेंज कलर के। एक आपको 3.5 इंच का हेडफोन का जैक देखने मिल जाता है, माइक का जैक इसमें नहीं है। यहां पर अगर मदरबोर्ड साइज सपोर्ट की बात की जाए तो इसमें आप ATX, माइक्रो ATX और मिनी ATX तक के बोर्ड इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर स्पेसिफिकेशन में देख लेना। बाकी यहाँ पर फ़ैन की बात करें तो आप फ्रंट में 120 mm के 2 फ़ैन लगा सकते हो, 3 फ़ैन भी लगा सकते हो, 140 mm के 2 ही फ़ैन लगा सकते हो, 360 mm का रेडिएटर माउंट कर सकते हो, और यहाँ पर आप बॉटम में भी माउंट कर सकते हो फ़ैन। लेकिन कोई मतलब नहीं बनता कहाँ से फ्रेश एयर इंटेक करेगा, यहाँ पर आप देख लीजिए। तो यहाँ पर मैं कोई सेंस नहीं बनता माउंट करने का। बाकी यहाँ पर बैक साइड में आपको प्री इंस्टॉल एक आपको फ़ैन देखने मिल जाता है जिसमें आपको LED ग्लो होती हुई नज़र आ जाएगी। वैसे इस फ़ैन के बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ वीडियो में। ओवरऑल कैबिनेट का लुक आपको कैसा लग रहा है वो ज़रूर कमेंट करके बताना। और इसमें एक वाइट कलर का भी वेरिएंट आता है जो कि आपको सेम स्पेसिफिकेशन देता है, सिर्फ कलर अलग है, बाकी सब कुछ इसमें सेम देखने मिलेगा। फ्रंट में आप इसके 140 mm के 2 फ़ैन इंस्टॉल कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखना। टॉप में आप 2 120 mm के फ़ैन इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी हमने इसे एक PC बिल्ड के लिए यूज़ किया था, मतलब फुल सेटअप PC बिल्ड मैं बनाया हूँ, बजट सेगमेंट का PC बिल्ड है जिसमें हमने ग्राफिक कार्ड यूज़ नहीं किया है। बिना ग्राफिक कार्ड के भी आप इस PC में गेमिंग कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो देखनी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वैसे मेरी सजेशन ये रहेगी, अगर आपका बजट 50,000 के अंदर है तभी ये कैबिनेट को आप यूज़ कीजिए। तो अभी हमने देखा कैबिनेट का रिव्यू और आपने देखा कि बिल्ड क्वालिटी वगैरह 3,000 रुपये के हिसाब से कैसे मिल रही है आपको। 3,000 रुपये क्या, आपको 3,500 रुपये आप बोल सकते हो, मतलब आप ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन मार्केट में जाओगे तो आपको ऑलमोस्ट 3,500 रुपये से लेकर 3,000 रुपये के बीच में ये कैबिनेट ईजिली मिल जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर देखो कन्फ्यूज़न कहाँ पर है मैं बताता हूँ। यहाँ पर कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कैबिनेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा रहे हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है ARGB
तो यहाँ पर लोगों को लग रहा है कि ये एड्रेसेबल आरजीबी फैन है, आपको चार प्री इंस्टॉल देखने मिलती है। तो काफ़ी सारे लोगों को डाउट था, वो लोग रुक गए, और जिन लोगों को लगा कि इसमें एड्रेसेबल आरजीबी है वो लोग ने परचेस कर लिया। उसके बाद कमेंट कर रहे थे मुझे, इंस्टाग्राम पर भी लिख रहे थे कि भाई इसमें कलर को कैसे चेंज किया जाए। तो बेसिकली मैंने कैबिनेट को पर्सनली एक बिल्ड में यूज़ किया है, तो मुझे मालूम पड़ा है कि इसमें आपको आरजीबी फैन भी देखने नहीं मिलती है। मतलब आपको चार फैन प्री इंस्टॉल तो ज़रूर मिलेंगे जैसा फोटो में आपको दिख रहा है, लेकिन उसके फ़ैन में जो एलईडी लगी है उसके कलर पैटर्न को आप चेंज नहीं कर सकते, या फिर दूसरे कलर में स्विफ्ट नहीं कर सकते उसे। जैसा है वैसा ही आपको दिखेगा। पावर लगाने के बाद एलईडी ग्लो होती है, फ़ैन रन होती है, आपको इसमें ज़्यादा कुछ देखने नहीं मिलेगा। और इस बात का ध्यान रखना, अगर आप कोई भी कैबिनेट लेने जा रहे हो 3,500 रुपये में आपको कोई भी ब्रांड मेरे हिसाब से एड्रेसेबल आरजीबी फ़ैन ऑफर नहीं कर सकती है, क्योंकि एड्रेसेबल आरजीबी फ़ैन की कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है। ये 3,500 रुपये का कैबिनेट है, तो आप सोच के देखिए आपको चार फ़ैन किस तरीके से डालकर देगी ब्रांड। और यहाँ पर जो भी फ़ैन इसमें इंस्टॉल होते हैं, या फिर अगर अदर ब्रांड की बात करें तो उसमें आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना चाहिए कि वो एड्रेसेबल इस तरीके से लिखा हुआ है या फिर नहीं। अगर आप कंफर्म नहीं हो तो आप नज़दीकी स्टोर में जाकर चेक कर सकते हो, उसमें 3 पिन आपको आरजीबी हेडर मिलता है कि नहीं, मतलब एआरजीबी हेडर मिलता है कि नहीं। अगर 3 पिन एआरजीबी हेडर रहेगा तो आप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होता है मदरबोर्ड की, गीगाबाइट, एसूस, या फिर आप कई सारी ब्रांड आपने देखा होगा, एसरॉक वगैरह, तो उसमें आपको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर देखने मिलती है। तो इन मदरबोर्ड की यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने एड्रेसेबल आरजीबी फैन को। और इस वाले कैबिनेट में एंटी स्पोर्ट 220 एयर में आपको एड्रेसेबल और आरजीबी दोनों ही फ़ैन नहीं दिए गए हैं, इस बात का ध्यान रखें। ये ऑटो आरजीबी फ़ैन है और इसमें आपको जैसी कलर दिख रही है वैसे ही रहेगी, आप इसमें कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते। कैबिनेट के मैंने टॉप पर भी आपको दिखाया है, सिर्फ उसमें दो ही बटन देखने मिलते हैं, एक पावर का बटन है और दूसरा रीस्टार्ट का बटन है। तो यहाँ पर आपको आरजीबी को कलर पैटर्न को चेंज करने वाला कोई भी बटन नहीं दिया गया है। तो मुझे लगता है कि आपका ये डाउट ज़रूर क्लियर होगा, और मेरे हिसाब से मैंने जितना समझाने की कोशिश की आपको समझ में आ गई होगी बात। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और मैं देखता हूँ कि मतलब ये वीडियो कितने लोगों को पसंद आई और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ। अगर आप लाइक करोगे तो उस हिसाब से मुझे पता चलेगा। बाकी यहाँ पर चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और तब तक के लिए देखते रहिए एम मशीन बिल। मिलते हैं अगले वीडियो में। We'll be right back.